क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कोई भी अदर स्पोर्ट्स आप और हमारे लिए बस एंटरटेनमेंट का एक जरिया हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक बिजनेस है। एग्जाम्पल के तौर पे आप आईपीएल को ही ले लीजिए। ये बस एक टूर्नामेंट नहीं है जहाँ पर टीम्स सिर्फ प्राइज मनी के तौर पे अर्न कर सकता है, बल्कि उनके पास स्पॉन्सर्स, टिकट्स, मर्चेंडाइजिंग जैसे ढेर सारा रेवेन्यू मॉडल्स अवेलेबल होता है। रिसेंटली चेन्नई सुपर किंग्स इंडिया का सबसे पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बनके उभरा है, जिसका मतलब है कि सीएसके का ओवरऑल वैल्यूएशन है मोर देन $1 बिलियन। और ऐसा उम्मीद है कि मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स भी जल्द ही इसी सूची में शामिल हो जाएगा। तो अब खुद ही सोच सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितना बड़ा है। अब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट का भी ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप फिर से आईपीएल को ही ले लीजिए। यहाँ पर हर एक फ्रेंचाइजी के पास अपना खुद का टीम एनालिस्ट होता है, जिनका बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर एक जिम्मेदारी यह भी है कि वो हर एक प्लेयर का स्वैट एनालिसिस करे। अब विराट कोहली को ही ले लीजिए। उसका बॉटम हैंड काफी अच्छा है, इसका मतलब ये होता है कि आप उनके पैट पे बॉल नहीं डाल सकते, और अगर आपने गलती से डाल भी दिया तो वो एक्सट्रीम बैट्स पे जनरेट करके बॉल को मीडियोकेट रीजन पे फ्लिक कर देगा। एंड एज वी ऑल नो, कवर ड्रिप के साथ साथ ये विराट कोहली का एक सिग्नेचर शॉट भी है। ऑन दी अदर हैंड, 2014 में इंग्लैंड टूर के पहले तक कोहली में वैसे तो कोई भी विजिबल वीकनेस नहीं था, लेकिन इस सीरीज में एंडरसन ने एक्सपोज किया कोहली का इनएफिशिएंसी टू टैकल स्विंगिंग डिलीवरीज वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप। उसके बाद सबको ये आइडिया हो गया था रिगार्डिंग कोहलीज वीकनेस विद आउटसाइड ऑफ स्विंगिंग डिलीवरीज। लेग स्पिनर को खेलना भी कोहली के लिए एक वीकनेस रहा है। रशीद खान, एडम जाम्पा, इमरान ताहिन जैसे बॉलर्स कोहली को बहुत बार आउट कर चुके हैं इन बोथ आईपीएल एंड इंटरनेशनल मैचेस में। ऐसे ही हर एक प्लेयर का अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, जिन्हें ढूंढ निकालना स्पोर्ट्स एनालिस्ट का काम होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्पोर्ट्स एनालिटिक्स करियर के बारे में, और साथ में मैं आपको स्पोर्ट्स एनालिस्ट कंपनीज के बारे में भी बताऊंगा। HUDL कंपनीज के बारे में भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जो एक स्पोर्ट्स एनालिटिक्स कंपनी है, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इंडस्ट्री में फ्रेशर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और स्पोर्ट्स एनालिस्ट का सैलरी कितना होता है। इसी के साथ ही हम क्रिकेट डेटा एनालिटिक्स और फुटबॉल डेटा एनालिटिक्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स एनालिटिक्स करियर को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। 2002 में अमेरिकन बेसबॉल टीम ओकलैंड एथलेटिक्स के पास टीम बनाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था, तो बिली बेन और पीटर ब्रांड नाम का दो इंडिविजुअल्स अंडरवैल्यूड प्लेयर्स को स्पॉट करते हैं बाय एनालाइजिंग देयर परफॉर्मेंस इन प्रीवियस मैचेस, और फिर उन्हें अपनी टीम में शामिल करते हैं। पहले तो कुछ मैचेस ऑकलैंड की टीम लगातार हार रही थी, और जिसके कारण से बिली और पीटर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था अपने इस नए स्ट्रेटेजी के लिए। लेकिन फाइनली ये टीम बाउंस बैक करती है और लगातार 19 मैचेस जीत जाती है, और फाइनली ऑकलैंड एथलेटिक्स अपना 20वां मैचेस भी जीत जाती है, जो अमेरिकन बेसबॉल के इतिहास में एक रिकॉर्ड भी है। हालांकि बिली की टीम अपना फाइनल मैच हार गया था, लेकिन ऑकलैंड एथलेटिक्स नामुमकिन को हकीकत में तब्दील कर दिया था, और ये पॉसिबल हो पाया था बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ स्पोर्ट्स एनालिटिक्स। ये एक ट्रू स्टोरी है जिसके ऊपर मनी बॉल द आर्ट ऑफ विनिंग एन अनफेयर गेम नाम का एक नॉवेल, और बाद में उस नॉवेल के ऊपर मनी बॉल नाम का एक मूवी भी बना था। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़े या फिर इस मूवी को एक बार जरूर देखे। मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए स्टोरी टेलिंग एक बेस्ट उपाय है, और स्पोर्ट्स एनालिस्ट को समझने के लिए मनीबॉल आपकी मदद कर सकता है। ये बुक अमेजन पे अवेलेबल है, और इसका ऑडियो बुक भी आप अमेजन ऑडिबल पे फ्री में सुन सकते हैं। मनीबॉल मूवी अमेजन प्राइम वीडियो में अवेलेबल है। इस मूवी का ब्लूरे डीवीडी भी आपको अमेजन पे मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने मनीबॉल बुक का पेपरबैक, किंडल एडिशन और ऑडियो बुक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मनीबॉल मूवी का प्राइम वीडियो लिंक और डीवीडी का बाइंग लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उन लिंक्स को यूज करके कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो Amazon उसके छोटा सा हिस्सा मुझे कमीशन के रूप में देगा, और इस तरह से आप कुछ भी एक्स्ट्रा पे किए बिना ही मेरे काम को, मेरे चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे। तो जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लिंक्स को एक बार जरूर विजिट करिए। आई होप कि आपको स्पोर्ट्स एनालिस्ट करियर और जॉब रोल के बारे में थोड़ा सा समझ आ गया है। फाइनली मैं यही कंक्लूड करूंगा कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर और डेटा साइंस की मदद से किसी पर्टिकुलर टीम या फिर प्लेयर का परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करता है फॉर एन अपकमिंग मैच या फॉर द एंटायर सीजन। स्पोर्ट्स डेटा एनालिस्ट फैंटेसी स्पोर्ट्स और गैम्बलिंग जैसे सबसेक्टर में भी यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, और अपने क्लाइंट्स या फिर यूजर्स का विनिंग चांसेस को बढ़ाता है।
चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में जो अभी के टाइम पे स्पोर्ट्स एनालिस्ट मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। तो इस सूची में मैं शामिल करना चाहूंगा स्पोर्ट रैडर को, जो क्लाउड बेस्ड स्पोर्ट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। HUDL जो वीडियो एनालिटिक्स बेस्ड ट्रेनिंग टूल प्रोवाइड करता है एथलेटिक्स और कोचेस को। किटमैन लैब्स जो परफॉर्मेंस एनालिटिक्स और मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। हूप जो स्मार्ट वेयरेबल डिवाइस प्रोवाइड करता है प्लेयर की फिजिकल एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए। डॉटफिश जो कोचेस एंड एथलीट्स को वीडियो एनालिसिस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब हम HUDL स्पोर्ट्स एनालिस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रोफाइल। तो देखिए, ये एक स्पोर्ट्स प्लस टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका वर्ल्ड वाइड 4 मिलियन प्लस यूजर्स है। इस कंपनी का प्रेजेंस ऑलरेडी 15 कंट्रीज में है, जिनमें US, UK और इंडिया शामिल है। ये है कंपनी का जॉब पेज। अगर आप व्यू ओपन पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अभी के टाइम पे HUDL में कितने पोजीशन ओपन है। इस कंपनी का जॉब पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत सारे कंपनीज है इंडिया में जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट को जॉब प्रोवाइड करता है। ये आप देख रहे हैं YouGov का जॉब पोस्टिंग उनके नवी मुंबई ऑफिस के लिए। स्पोर्ट्सो नाम का एक कंपनी के लिए ये है स्पोर्ट्स वीडियो एनालिस्ट का जॉब पोस्ट उनके दिल्ली ऑफिस के लिए। ये आप देख रहे हैं पोकर स्टर्स नाम का एक कंपनी ने डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब पोस्ट डाला है अपने हैदराबाद ऑफिस के लिए। आप अपने हिसाब से गूगल, लिंक्डइन, नौकरी या फिर किसी और जॉब पोर्टल साइट में सर्च कर सकते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट जॉब के लिए। बाकी इन तीनों जॉब पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अकॉर्डिंग टू ग्लसडोर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट को पर महीने अराउंड 22 से 23 हज़ार रुपये सैलरी मिलता है और एम्बिशन बॉक्स के मुताबिक स्पोर्ट्स एनालिस्ट का सैलरी होता है 2.7 लाख पर एनम। वैसे दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि जो नंबर्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से स्पोर्ट्स डेटा एनालिस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे How to become a cricket data analyst, why cricket data analytics and prediction matter, importance of data analytics in cricket data analyst jobs, cricket analyst salary. तो चलिए अब हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को जानते हैं। दोस्तों, देवराज राउत जो कि इंडिया ए और इंडिया अंडर 19 टीम का परफॉर्मेंस एनालिस्ट है, उन्होंने अपना खुद का क्रिकेट एनालिसिस कोर्सेज लॉन्च किया है, जिनमें पहला है वीडियो शूट एंड एनालिसिस प्रोसेस, दूसरा है मैच एनालिसिस प्रोसेस और तीसरा है परफॉर्मेंस एनालिसिस। देवराज जी के कोर्सेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप उनके कोर्स मॉड्यूल्स को बारीकी से चेक कर सके। उनके कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड आई थिंक कि वो सर्टिफिकेट आपको अपने करियर लॉन्च करने में मदद करेगा। दोस्तों, ये कोई पेड वीडियो नहीं है और ना ही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप देवराज जी के कोर्सेज को परसू करें। इस वीडियो को बनाने के टाइम पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तभी मुझे इन कोर्सेज के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इस कोर्सेज के बारे में शेयर कर दूं। डेटा और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्रिकेट में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कोचेस को ये समझने में मदद करता है कि कौन सा प्लेयर किस दिन चलेगा, किस दिन नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो क्यों चलेगा और अगर नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा। जब कोचेस, कैप्टन और मैनेजमेंट के पास इतना डीप इंसाइट रहेगा तो उनके लिए एक अच्छा टीम बनाना काफी आसान हो जाएगा और वो अपने जीतने के चांसेस को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। डेटा एनालिटिक्स क्रिकेट में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टीम परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में मदद करता है, कैप्टन्स को इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में असिस्ट करता है, विनिंग चांसेस को मैक्सिमाइज करता है, इंजुरीज के चांसेस को घटाता है, फैंस को एंगेज रखता है एक्सेट्रा। जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम या फिर क्रिकेट क्लब्स है उन सब के पास अपना खुद का स्पोर्ट्स एनालिस्ट या फिर ग्रुप ऑफ एनालिस्ट मौजूद है, तो ये जाहिर सी बात है कि स्पेशलाइज्ड क्रिकेट एनालिस्ट को जॉब जरूर मिलता है। ग्लसडोर के मुताबिक क्रिकेट एनालिस्ट का मीडियम सैलरी होता है 10 लाख पर ईयर। अब हम फुटबॉल वर्ल्ड में डेटा एनालिस्ट का क्या रोल है उसे जानेंगे। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम ए फुटबॉल डेटा एनालिस्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिस्ट इन फुटबॉल। तो चलिए अब एक एक करके इन दोनों विषय के बारे में चर्चा करते हैं। कैसे आप एक फुटबॉल डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब बेहद मुश्किल होने वाला है। जितना मैंने रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग अभी तक इंडिया में कोई भी फुटबॉल स्पेसिफिक एनालिटिक्स कोर्स
नहीं है जो आप परसू कर सके। लेकिन अकॉर्डिंग टू गोल वेबसाइट, यूरोप में फुटबॉल के लिए परफॉर्मेंस लर्निंग ट्रेनिंग होता है। तो आप यूरोप जाकर या फिर ऑनलाइन ऐसे किसी कोर्स को परसू कर सकते हैं अपने करियर फुटबॉल डाटा एनालिस्ट की दुनिया में लॉन्च करने के लिए। नहीं तो आप अपने घर में ही हार्डवर्क करते रहिए, प्लेयर्स का परफॉर्मेंस को एनालाइज और ट्रैक करिए और अपने फाइंडिंग्स को विजुअली अपीलिंग इंसाइट्स के रूप देकर उन्हें इंडियन फुटबॉल क्लब्स तक पहुंचाइए। अगर आपका काम अच्छा हुआ तो आई होप कि आपको इंडिया में इंटर्नशिप लेवल का फुटबॉल एनालिस्ट का जॉब मिल जाएगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स केपीआई नाम का एक इंडियन एनालिटिक्स एजेंसी है जिनका क्लाइंट्स है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, एफसी गोवा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एक्सेट्रा। उनके साइट में आपको स्पोर्ट्स एनालिटिक्स फॉर बिगिनर और टैक्टिकल फुटबॉल एनालिसिस नाम का दो कोर्स मिल जाएगा। आप चाहे तो इनमें से किसी भी कोर्स को परसू करके अपना करियर फुटबॉल एनालिस्ट के सेक्टर में लॉन्च कर सकते हैं। बट आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव दिस कोर्सेज विल बी। एनीवे आप उनसे डायरेक्ट बात करके अपना इंटर्नशिप के लिए उन्हें अप्रोच कर सकते हैं टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स केपीआई का वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वैसे दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है और मैं स्पोर्ट्स केपीआई की कोई भी कोर्स या फिर इंटर्नशिप के लिए आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूं। मेरा काम है बस आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, बाकी डिसीजन लेना आप लोगों की जिम्मेदारी है। डेटा एनालिटिक्स फुटबॉल में प्राइमरीली परफॉर्मेंस एनालिसिस और गेम प्लान बनाने के लिए यूज होता है। इसके मदद से आप मैच में कैसे चांस बनाना है, गेम का डिफरेंट फेज में टीम का फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, ये सब डिसाइड कर सकते हैं। और पोस्ट मैच सिनेरियो में आप किसी भी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड साइंस। परफॉर्मेंस एनालिसिस और स्ट्रेटेजी बनाने के साथ साथ डेटा एनालिटिक्स की मदद से आप किसी भी टीम के लिए राइट फुटबॉलर्स को भी रिक्रूट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी मदद मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वैसे दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि डेटा साइंस और एनालिटिक्स करियर और जॉब्स के ऊपर मेरा कंप्लीट प्लेलिस्ट है जो मैंने इन स्क्रीन पे डाल दिया है। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है डेटा साइंस और एनालिटिक्स के ऊपर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करना। अभी चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर।